हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 यूनिक आर्टिस्ट्स इन इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर दो। नंबर 10, मिथुन, जो कि है तमिलनाडु से, जो कि हेयर से आर्ट बनाते हैं। मिथुन बालों के 1 से 0.5 मिलीमीटर तक छोटे छोटे बालों के पीसेस ऐसे सेट करते हैं कि वो बन जाता है अमेजिंग आर्ट। डार्क लाइट, शेड और टेक्सचर के हिसाब से बालों के पीसेस को बहुत बारीकी से कैनवस पर बिना एडहेसिव के सेट किया जाता है, ऐसे बन जाते है इनकी आर्ट। इनके फेमस पोर्ट्रेट्स हैं सचिन तेंदुलकर और महात्मा गांधी के। नंबर 9, उदय तलवलकर, जो कि है मुंबई से, जो कि है टाइपराइटर आर्टिस्ट। इस क्रिएटिव आर्ट को बनाने के लिए वो पेपर को ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं, फिर पेंसिल से फोटो स्केच की जाती है। हर बॉक्स में जो पार्ट ऐड करना है उस पे फोकस करके धीरे धीरे फोटो फिनिश की जाती है। इनकी टेक्निक इतनी इवॉल्व हो गई है कि ये नाम लिख के भी आर्ट बना लेते हैं। इन्होंने बनाया है 22x13 फीट की लता मंगेशकर की पोर्ट्रेट और बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे बनाने में लगे 236 घंटे। नंबर 8, नीलेश, जो कि है मुंबई से, जो कि है फेदर आर्टिस्ट। इस आर्ट को बनाने के लिए वो पहले फेदर चूज करते हैं और फिर फेदर को अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर वो डिजाइन को बनाते हैं और डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो फेदर की स्टेम्प पे ना आए, फिर वो डिजाइन का स्टेंसिल्स बना के फेदर के ऊपर रख कटिंग करते हैं। इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए उन्हें लग जाते हैं 7 से 8 घंटे। नंबर 7, कमाल, जो कि है गुजरात से, जो कि है फायर आर्टिस्ट, जिसमें उन्हें आर्ट बनाने के लिए कलर्स नहीं बल्कि आग चाहिए। पहले वो पेपर पर ट्रेस करते हैं, आउटलाइंस ट्रेस होने के बाद वो उस पर पेंसिल से वर्ड्स लिखते हैं जो कि उनकी पेंटिंग के थीम से जुड़े होते हैं, और फिर वो स्केच के इस हिस्से में केरोसिन, पेट्रोल और कैम्फर, हाई इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स की कोटिंग लगाते हैं और फिर लगाते हैं आग ही आग। इससे वो अपने आर्ट में डेप्थ, यूनिक टेक्सचर और बारीक हाइलाइट्स भी ऐड करते हैं। नंबर 6, मोहित, जो कि है दिल्ली से, जो कि है इंडियास पेपर 3D मॉडल आर्टिस्ट। एक इमेज को मल्टीपल पेपर्स पर प्रिंट करते हैं और फिर डिफरेंट इमेजेस को साथ में कंबाइन करके 3D मॉडल क्रिएट करते हैं। इनके 3D मॉडल्स को देखकर ये बिलीव करना मुश्किल है कि इसे सिर्फ पेपर से बनाया गया है और कोई मटेरियल यूज नहीं किया गया है। नंबर 5, धीरज, जो कि है हैदराबाद से, जिन्होंने पेंसिल से आर्ट नहीं बल्कि पेंसिल पर ही आर्ट बना दी। वो पेंसिल पर अल्फाबेट नहीं बल्कि फेसेस और मॉन्यूमेंट्स भी बना लेते हैं। इतना बारीक काम पेंसिल पर करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनकी पेंसिल की लिड 0.5 mm से 1.2 सेंटीमीटर की ही होती है, यानी जरा सी गलती और पेंसिल की लिड टूटने का खतरा। इस आर्ट को बनाने के लिए उन्हें 15 से 20 घंटे लगते हैं। नंबर 4, वाजिद खान, जो कि है मध्य प्रदेश से, जो कि है नेल आर्टिस्ट। इनके स्टूडियो में पेंट ब्रश और पेंसिल नहीं बल्कि हथौड़ा और कीले मिलेंगे। इनकी खास बात ये है कि ये ना तो मार्किंग करते हैं ना स्केच करते हैं, ये डायरेक्ट पोर्ट्रेट बनाते हैं। इनकी क्रिएटिविटी इतनी इवॉल्व हो गई है कि ये कोई भी मटेरियल से आर्ट बना लेते हैं। इनकी यूनिक आर्ट की वजह से इनके नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। नंबर 3, विग्नेश, जो कि है चेन्नई से, सोलर आर्टिस्ट, जो कि सनलाइट से अमेजिंग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। वो रबर वुड यूज करते हैं क्योंकि इसका व्हाइट कलर आर्ट को अच्छा कॉन्ट्रास्ट
देता है। ये एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए 3 अलग अलग मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज करते हैं, सबसे छोटा आउटलाइनिंग और डिटेलिंग के लिए, उससे बड़ा शेडिंग के लिए, सबसे बड़ा आर्ट को फिल करने के लिए यूज करते हैं। एक A4 साइज पोर्ट्रेट बनाने के लिए उन्हें 2 दिन लग जाते हैं। नंबर 2, डॉक्टर बलराम, जो कि हैं आंध्र प्रदेश से, जो कि बनाते हैं बैक्टीरिया से आर्ट, जिसको बनाने के लिए वो अगर का यूज करते हैं। अगर के थ्रू पहले वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर जो आर्ट बनाना है उसको पेड रीडिश के नीचे चिपकाते हैं और फिर जली पे आर्ट का आउटलाइन को ट्रेस करते हैं। आउटलाइन ट्रेस करने के बाद बलराम मेटल लूप से लाइव बैक्टीरिया पिक करके डिजाइन के अंदर फिल करते हैं, ताकि वो आर्ट को कलर दे सके। इस आर्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 8 घंटे लगते हैं। नंबर 1, अनिल वर्णम, जो कि हैं केरला से, जो कि हैं एक टंग पेंटर। ये अपने टंग से कोई भी माइन्यूट जगह पे पेंट कर लेते हैं। अब तक इन्होंने अपने जीप से 1000 से भी ज्यादा पेंटिंग बना दी है। ये अपने टंग से ही नहीं बल्कि चिन, एल्बो और फुट से भी पेंटिंग बना लेते हैं। इस यूनिकनेस की वजह से उन्होंने URF एशियन रिकॉर्ड जीता है। आपको इन आर्टिस्टों में से कौन सा यूनिक और सबसे क्रिएटिव लगा कमेंट्स में बताना। चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।